हाँ भाई लोग कर दिया तुम लोग के लिए फ्री। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग फास्ट ट्यून का हैक बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। हाँ हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल फ्री। सोलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये फास्ट ट्यून का हैक मोड बिल्कुल फ्री में देने वाले और साथ ही साथ फास्ट ट्यून का एक टिप्स भी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं टिप्स के ऊपर, फास्ट ट्यून ट्रिक। ठीक है, तो आप इसे फास्ट पैरिटी या पैरिटी दोनों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में वर्किंग है। और साथ ही साथ आप मेरे बैलेंस देख सकते हो, वैसे आपको इतनी बैलेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका मन नॉर्मली जैसे कि 500 या 1000 रुपीज़ से भी हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको सबसे पहले ये करना है कि इसका लास्ट वाला नंबर हमें लिख लेना है। ठीक है, तो इजीली से हम लोग कहीं पे लिख लेते हैं इसे, और लिखने के बाद बस हम इसे कैलकुलेट करें। ठीक है, जो 232, तो इसे लिखने के बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर 7 होगा। ठीक है, तो 7 हमेशा ग्रीन अंक होता है, बिकॉज 7, 9 ऐसे ऐसे जो भी अंक है वो सारे ग्रीन होते हैं। तो जो जो ग्रीन अंक है वो सब आपको स्क्रीन पर दे दे रहा हूँ। ठीक है, और जो जो रेड है वो भी स्क्रीन पर रहेगा। ठीक है, तो ये देख के आपको नॉर्मली ट्रेड मारना है। ठीक है, और इवन नंबर रेड और ऑड नंबर ग्रीन। ठीक है, और अगर इसके बावजूद भी आप लोग हार जाते हो, ठीक है, तो आपको हमेशा ट्रिपल पेन रखना है। जैसे कि पहले 10 लगाओ, फिर 30 लगाओ, फिर 90 लगाओ, फिर 270 लगाओ। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था उसका रिजल्ट आ चुका है और हमें यहाँ पे 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो देख सकते हो बिल्कुल भी लाइव प्रॉफिट है। तो चलते हैं देखते हैं कि हैकिंग मोड इसका कहाँ से मिलेगा हम लोगों को। तो अब हैकिंग मोड हम लोगों को सिंपली आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, तो वहाँ पे जाके मुझे DM करो, मैं वहाँ पे डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करूँ। यूट्यूब वगैरह हमें मैं डायरेक्ट आप लोगों को नहीं दे सकता हैकिंग लिंक वगैरह। ठीक है, तो इसलिए इंस्टाग्राम में। और हाँ, साथ ही साथ ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोगों को कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।